तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाउड वॉच के बारे में। सो क्लाउड वॉच एक सर्विस है बेसिकली AWS के अंदर। और क्लाउड वॉच का जैसा कि नाम बोल रहा है, क्लाउड वॉच ये एक मॉनिटरिंग सर्विस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट अदर सर्विस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम पे देख रहे हैं, मेरी बहुत सारी सर्विसेज है, लाइक EC2 सर्विस है, इलास्टिक लोड बैलेंसर है, S3 है, एंड सो ऑन। तो ये जो सर्विसेज हैं एक्चुअली इस क्लाउड वॉच के थ्रू हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। तो जब भी हम इन सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं यहाँ पे, राइट, लेट से इस क्लाउड वॉच के थ्रू मैं इस EC2 इंस्टेंस सर्विस को यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसी भी EC2 इंस्टेंस पे यहाँ पे एक्चुअली एक थ्रेशोल्ड लगा सकता हूँ। जैसे मैंने ये बोला कि जब भी CPU यूटिलाइजेशन 70% से ज़्यादा होता है तो एक अलार्म जनरेट हो जाए। तो जब अलार्म जनरेट होता है तो क्या एक्शन हो वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप एक SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस के थ्रू एक ईमेल आईडी मैप कर सकते हैं ताकि एक नोटिफिकेशन आपके मेल आईडी पे आ जाए। आप इसे ऑटो स्केल को दे सकते हैं एक्शन लेने के लिए कि जब भी CPU यूटिलाइजेशन बढ़े तो नए इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाए। इसी तरह आप लामडा को यहाँ पे दे सकते हैं ये एक्शन करने के लिए, ठीक है, ताकि लामडा में जो भी फंक्शन हो अकॉर्डिंगली उसके यहाँ पे एक्शन हो। सिमिलरली एंसिबल और पाइथन को भी आप ये यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि इनके थ्रू आप कोई एक्शन यहाँ पे ले सकें इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट जिसके थ्रू ये अलार्म यहाँ पे जनरेट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्लाउड वॉच हमारा मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, और जो इसका डिफ़ॉल्ट मॉनिटरिंग टाइम है वो है 5 मिनट, और ये फ्री होता है, राइट। और यहाँ पे डिटेल मॉनिटरिंग एवरी 1 मिनट पे होती है जो कि पेड है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस पे और एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। देन मैं आपको दिखाऊंगा कि EC2 इंस्टेंस को क्लाउड वॉच के थ्रू हम किस तरीके से मॉनिटर यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। सो नेक्स्ट नेक्स्ट टैग पे मैं इसको जो नाम दे रहा हूँ वो है EC2-1-1। ओके, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक कीजिए। मैं सारा ट्रैफिक अभी अलाउ कर लेता हूँ क्योंकि अभी जो मेरा पूरा फोकस है वो है क्लाउड वॉच पे। हम क्लाउड वॉच को समझना चाहते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। तो की भी मैंने इंटीग्रेट कर लिया, व्यू इंस्टेंसेस। सो यहाँ पर मेरा EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और इसका जो नाम है एक्चुअली वो है EC2-1 एंड सेव दिस वन। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा अप होने के लिए। अब ये इंस्टेंस स्टेट जो है मेरा वो अभी रन हो रहा है, ठीक है। सो इसको एक बार फिर से अपडेट कर लेता हूँ, EC2-1 सेव, फाइन। तो अभी मुझे इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को अपने क्लाउड वॉच के साथ इंटीग्रेट करना है ताकि क्लाउड वॉच इसकी मॉनिटरिंग यहाँ पे कर सके। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, और डुप्लीकेट करने के बाद अब यहाँ पे आके क्लाउड वॉच सर्च कीजिए। सो ये एक सर्विस है क्लाउड वॉच, मॉनिटर रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशंस, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। पहला चीज़ सीखेंगे कि हम डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करें, और दूसरी चीज़ हम सीखेंगे यहाँ पे कि हम अलार्म कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट, थ्रेशोल्ड कैसे डिफाइन करते हैं और अलार्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके मैट्रिक्स पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और आप बेसिकली जो मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस की मॉनिटरिंग यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ ला जा के पेस्ट कर लीजिए, Ctrl V, हिट एंटर। तो अभी तो ये EC2 इंस्टेंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद इसको
तो अभी ये EC2 इंस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने बीच में पॉज कर लिया था, उसका रीज़न ये है कि EC2 इंस्टेंस बनाने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है मैट्रिक्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से हम करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स पे जाते हैं। मैट्रिक्स पे जाने के बाद ऑल मैट्रिक्स यहाँ पे है, यहाँ पे आके आप जो EC2 इंस्टेंस का इंस्टेंस आईडी आपने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हिट एंटर कीजिए एंड यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आपको 14 मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, जैसे CPU यूटिलाइजेशन है, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा EC2-1 है उसके मैट्रिक्स, अगर मैं यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन देखना चाहता हूँ EC2-1 का, तो मैं ये देख सकता हूँ बेसिकली, अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि ये EC2 इंस्टेंस अभी क्रिएट हुआ है, तो मुझे ज़्यादा अभी यहाँ पे डिफरेंसेस पता नहीं लग रहे हैं। अगर आप अलग अलग फॉर्मेट में इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो CPU यूटिलाइजेशन अभी 0% आ रहा है, थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे डेटा को आने में। एक बार यहाँ पर डेटा आएगा तो आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है CPU यूटिलाइजेशन की, वो परसेंटेज भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। ओके, तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं ये 12.7% मुझे CPU यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये CPU यूटिलाइजेशन यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर आप नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, ये सब चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो जनरली होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टाइमिंग सेट होता है वो होता है 5 मिनट, तो 5 मिनट का एवरेज निकाल के ये आपको एक नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। लेट से अगर आप इससे एक डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सपोज आप डैशबोर्ड के अंदर ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो इसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे इनको सेलेक्ट करने के बाद तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ एक्शन पे जाइए एंड क्लिक ऑन ऐड टू डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड का आपको जैसे क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे एक नाम दे दीजिए, सपोज ये जो डैशबोर्ड है वो आप बना रहे हैं EC2-1 इंस्टेंस रिपोर्ट। लेट से अगर ये आपका कोई क्रिटिकल सर्वर है, इसका आप यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके, तो इसने ये नाम ले लिया इस डैशबोर्ड के लिए, तो स्पेस वो अलाउड नहीं था तो ऑटोमेटिकली इसने बीच में इसके हाइफन डाल दिया है। ठीक है, इसके अलावा आपको फॉर्मेट क्या चाहिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इनका प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो साथ में यहाँ पे प्रीव्यू आता जाएगा। अभी ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लग रहा है क्योंकि जो वर्चुअल मशीन मैंने और EC2 जो मैंने क्रिएट किया है वो अभी अभी क्रिएट किया है, बट जब आप नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलती है। टाइटल वगैरह अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट भी ये टाइटल से यहाँ पे ले लेता है, जैसे कि यहाँ पे अभी लिया हुआ है। सो क्लिक ऑन ऐड टू डैशबोर्ड, तो आप देखेंगे जो आपका डैशबोर्ड है ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो ये फुल स्क्रीन पे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं ऐसा तो नहीं है कि अपने अकाउंट से लॉग इन करके इस डैशबोर्ड को रन करूँगा। जनरली ऑफिसेस में क्या होता है, डैशबोर्ड आप किसी टीवी पे डिस्प्ले कर देते हैं, बट मैं जाके लॉग इन तो नहीं करूँगा, राइट, किसी के अकाउंट पे और या सिस्टम पे ताकि वो डैशबोर्ड देख सके। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं डैशबोर्ड को शेप यहाँ पे सेव करने के लिए। तो पहले तो आप इस डैशबोर्ड को सेव कर लीजिए, फिर एक लिंक इसमें से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे शेयर डैशबोर्ड एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, लेट से पहले मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं इसे शेयर करता हूँ, शेयर डैशबोर्ड, तो शेयर योर डैशबोर्ड एंड रिक्वायर्ड एंड यूजर नेम पासवर्ड, तो एक लिंक जनरेट होगा जिस पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन जो ये है वो है कि शेयर योर डैशबोर्ड पब्लिकली, एक लिंक होगा
और उसे जो भी उस लिंक को रन करेगा उसको ये डैशबोर्ड दिखने लग जाएगा लाइव, शेयर ऑल योर अकाउंट्स क्लाउड वॉच डैशबोर्ड यूजिंग सिंगल साइन ऑन। सो एक सिंगल साइन ऑन अकाउंट के थ्रू आप अपने क्लाउड वॉच डैशबोर्ड को वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पे शेयर योर डैशबोर्ड पब्लिकली पे क्लिक कर लेता हूँ और स्टार्ट शेयरिंग। तो यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है, एक वार्निंग दे रहा है कि अगर आप इसे पब्लिक करेंगे तो कोई भी इस डेटा को देख सकता है। अगर ये एक सेंसिटिव डेटा है तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप फिर भी कहते हैं कि कंफर्म कीजिए तो आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करते समय ये जो फॉर्मेट है, जैसे कैपिटल सी है, राइट, ONFIRM, उसी फॉर्मेट में लिखना है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करता। सेव एंड जनरेट लिंक, तो एक लिंक यहाँ पे जनरेट होगा और उस लिंक को जाके आप जहाँ पर भी इसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं वहाँ पे जाके एक्चुअली इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। अब वो लिंक कहाँ है? दिस इज पब्लिकली शेयर्ड डैशबोर्ड, एनी चेंज मेड ऑन इट विल बी विजिबल टू एनीवन विद द लिंक हियर। सो कॉपी द लिंक टू क्लिपबोर्ड, यहाँ से आप इसे या तो लिंक को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। लेट्स से मैंने लिंक को कॉपी किया, एक नया टैब यहाँ से ओपन करता हूँ और इसे पेस्ट कर लेता हूँ। बहुत लंबा URL है, पेस्ट कर लीजिए तो ये आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप अपने टीवी के इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, आजकल स्मार्ट टीवी आते हैं उनके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या ब्राउज़र पे जाके इसको रन कीजिए और जाके इसको फुल स्क्रीन हम लोग कर सकते हैं। फुल स्क्रीन का ऑप्शन है और ये डैशबोर्ड को जाके आप प्ले कर दीजिए बेसिकली। अभी ये जो ये रिफ्रेश हो रहा है, ऑटो रिफ्रेश टाइम है इसका 1 मिनट। आप चाहें तो इसका जो रिफ्रेश इंटरवल है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये तो रिफ्रेश टाइम है, लेकिन जो डेटा फेच हो रहा है वो 5 मिनट के एवरेज पे यहाँ पे अभी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इस पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रीन पे एक्चुअली इसको लगा सकते हैं। सो एंटर फुल स्क्रीन यहाँ पे करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा स्क्रीन मेरा यहाँ पे कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। एक ये छोटा सा आइडिया था कि कैसे हम अपने डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब दूसरे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा EC2 इंस्टेंस मैंने बनाया है इस पर मैं एक अलार्म क्रिएट करूँ, और अलार्म ये है कि जब भी इस EC2 इंस्टेंस का CPU यूटिलाइजेशन 70% से ज़्यादा हो जाए तो सबसे पहले मुझे एक मेल नोटिफिकेशन आए और साथ ही साथ ये जो EC2 इंस्टेंस है ये टर्मिनेट हो जाए। ये दो कंडीशन मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ इस अलार्म के साथ। तो अलार्म पे जाइए एंड क्रिएट अलार्म। तो पहला, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ईमेल आए मेरे पास। तो ईमेल अगर मेरे पास मुझे चाहिए तो सबसे पहले मुझे एक सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस पे जाके अपने ईमेल आईडी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर अलार्म को सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली करते कैसे हैं। तो मैं ये जो अलार्म क्रिएट करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ अपने इस EC2 इंस्टेंस पे। तो इसका इंस्टेंस आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप जाइए क्लाउड वॉच पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए, हिट एंटर। ओके, तो यहाँ पे मैं चेकआउट करना चाहता हूँ अपना CPU यूटिलाइजेशन। तो CPU यूटिलाइजेशन की बात करें तो ये रहा मेरा CPU यूटिलाइजेशन, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैट्रिक मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी मेरा क्राइटेरिया क्या है जिसके बेस पे मैं अपना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रिएट करूँगा और जिसके बेस पे एक अलार्म जनरेट होगा यहाँ पे। सो सेलेक्ट मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक है CPU यूटिलाइजेशन है, और ये किसे चेक करेगा? इंस्टेंस आईडी, ये जो मेरा EC2 इंस्टेंस है ये इसका आईडी है, ये इसका नाम है, और ये जो डेटा एक्चुअली जनरेट होगा वो 5 मिनट तक इसका स्टडी करेगा। उसके एवरेज के बेस पे एक्चुअली ये
यहाँ पे अलार्म में मेरा ट्रिगर होगा, यानी 70% अगर मैं बोल रहा हूँ यूटिलाइजेशन, तो सेम कंडीशन 5 मिनट तक बनी रहनी चाहिए। ओके, नाउ अगर मैं जाऊँ तो थ्रेशोल्ड टाइप मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, और सीपीयू यूटिलाइजेशन शुड बी इक्वल टू और मोर देन 70% में यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे एक्शन डिफाइन है। तो पहला एक्शन क्या चाहता हूँ मैं, पहला चाहता हूँ कि मुझे एक ईमेल जनरेट हो। तो ईमेल जनरेट करने के लिए मुझे अपना मेल आईडी सब्सक्राइब करना पड़ेगा एनएसएस के साथ, एसएनएस के साथ, सॉरी, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे जाइए और टाइप कीजिए सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, तो ये दिखाई दे रहा है। तो अभी करेंटली एक सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, तो मेरा मेल आईडी ऑलरेडी है सब्सक्राइब। मैं इसको एक बार डिलीट कर लेता हूँ, पहले से करके देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एसएनएस में टाइप कर लेता हूँ सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, और उसके बाद आप अपने एक टॉपिक हमें क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो टॉपिक लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि लर्निंग हब का EC2-1। ओके, तो ये है नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेम आप देख सकते हैं मेरा नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद हमें आना है क्रिएट टॉपिक पे, ये टॉपिक मेरा एक क्रिएट हो गया है। अब इस टॉपिक के अंदर मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके आप आइए क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे, और ये इसका टॉपिक ARN नंबर है। अब ये प्रोटोकॉल पे जाके आपको एक्चुअली सेलेक्ट क्या करना है, ईमेल, बिकॉज आप अपने ईमेल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन अभी आप केवल ईमेल को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और जो आपका ईमेल आईडी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली आपको नोटिफिकेशन चाहिए, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सो लेट्स से मैं, ये मेरा ईमेल आईडी है कड़ाकुटी01, kadakuti.sanjay01@gmail.com। ओके, सो इसके बाद क्रिएट सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन तो मैंने क्रिएट कर दिया है, प्रोटोकॉल मेरा ईमेल है आप देख सकते हैं, बट स्टेटस अभी पेंडिंग कंफर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए मुझे अपने जीमेल अकाउंट पे जाना पड़ेगा, gmail.com, और यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। और मैं जाता हूँ इस अकाउंट पे जहाँ पे मैंने अपना मेंशन किया एक्चुअली मेल आईडी। यहाँ जब मैं लॉग इन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको एक ईमेल आया है LH-SNS, और एक्चुअली जो ईमेल है मेरा वो आया है ये वाला, ये पुराना ईमेल है। नया ईमेल है जो मेरे टॉपिक का नाम है वो है LH-EC2-1, उसके अंदर मैंने एक ईमेल सब्सक्रिप्शन पूछा है। ठीक है, वो ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए ये मेल अभी आया हुआ है, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे क्लिक करके एक्सपेंड हो रहा है, क्लिक ऑन कंफर्म सब्सक्रिप्शन, सो यहाँ पे क्लिक करके इसे कंफर्म कर लेते हैं। तो मुझे एक्नॉलेजमेंट आ गया कि सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो चुका है, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ये पेंडिंग कंफर्मेशन दिखा रहा था पहले, अगर आप जाके इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो स्टेटस अभी मेरा कंफर्म हो गया। ठीक है, तो मैंने अपना ईमेल आईडी सब्सक्राइब कर लिया है एसएनएस के अंदर, तो एक काम यहाँ पे हो गया। अब मैं वापस चलता हूँ अपने क्लाउड वॉच पे, और मैंने जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी कि जब भी सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% से ज़्यादा होता है तो पहले मुझे एक ईमेल नोटिफिकेशन भी आए। ठीक, सो ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग एसएनएस टॉपिक, तो मेरे टॉपिक का नाम यहाँ पे लिस्ट नहीं हो रहा है, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग एसएनएस टॉपिक, अभी आपको LH-EC2-1
टॉपिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ईमेल एड्रेस भी आ गया जहाँ पे ये नोटिफिकेशन ऐड होगा। तो पहली सेटिंग मैंने कर ली है। दूसरी सेटिंग में ये चाहता हूँ कि जब भी 70% से ज़्यादा हो तो उस EC2 इंस्टेंस पे एक एक्शन मुझे लेना है, तो ऐड EC2 एक्शन पे आप जाइए और यहाँ पे बोलिए कि आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को टर्मिनेट करना है अगर 70% से ज़्यादा हो। स्टॉप भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे है। तो मैं अभी टर्मिनेट यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अलार्म का एक नाम दे देते हैं, LH-EC2-1-alarm, तो ये एक अलार्म है, ठीक है। तो सेम डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल देता हूँ एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। प्रीव्यू एंड क्रिएट, तो यहाँ पर आपको एक पूरी समरी मिल रही है सेटिंग्स की जो जो आपने सेलेक्ट किया था। आप एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए, अगर सब कुछ ठीक है तो क्लिक ऑन क्रिएट अलार्म। तो अभी ये अलार्म यहाँ पे बन चुका है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने अलार्म यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे इन सब, इसको एक बार एक्सपेंड कर दूँ तो आप बेटर समझेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे पहली, सॉरी ये बार बार खिसक जा रहा है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि जो इनसफिशियंट, जैसे ही मैंने अलार्म क्रिएट किया तो पहले ये जो आपको दिखा रहा है स्टेट इनसफिशियंट डेटा, यानी अलार्म जनरेट करने के लिए भी एक डेटा की जरूरत होती है, राइट। तो अभी अलार्म पे कोई भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए इस पर्टिकुलर अलार्म के पास कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए ये बोल रहा है कि स्टेट इज इनसफिशियंट डेटा। तो जैसे ही डेटा इसके पास आएगा तो ये चेक करेगा कि ये जो सिचुएशन है, जो डेटा है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपने डिसाइड किया, जैसे आपने इसमें बोला है कि 70% से ज़्यादा होना चाहिए सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% से नीचे है यानी वो नॉर्मल है तो ये स्टेटस चेंज हो जाएगा ओके में, बट अगर 70% से ज़्यादा है तो ये आपको बोलेगा कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ, एक बार जूम करके इसको मैं सेट करके वापस आता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं अभी स्टेटस जो है आपका ओके पे चेंज हो गया, क्योंकि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है अभी कम है, लेस देन 70% है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करता हूँ थ्रू SSH और इसका CPU यूटिलाइजेशन बढ़ा के देखता हूँ। ओके, तो CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए मैं अभी यहाँ पे एक कमांड रन कर रहा हूँ, वो है ये। एक्चुअली मैं एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे जो CPU यूटिलाइजेशन को अभी बढ़ा देगा। हिट एंटर। अब इसके बाद कमांड टाइप कीजिए टॉप, तो आप देखेंगे ये CPU यूटिलाइजेशन अभी इंक्रीज हो गया, 99.9% तक पहुँच गया है, ठीक है। अब क्योंकि जो टाइम है इसको स्टडी करने का वो मैंने मेंशन किया है 5 मिनट, 5 मिनट तक ये सिचुएशन बनी रहनी चाहिए जिसमें CPU यूटिलाइजेशन 70% से ज़्यादा हो, तभी जो एक्शन मैंने डिफाइन किया है वो ट्रिगर होगा। तो एक्शन क्या है, दो एक्शन है। पहला तो मुझे एक ईमेल आएगा जिसमें अलार्म क्रिएट होगा कि CPU यूटिलाइजेशन 70% से ज़्यादा हो गया, और दूसरा मैंने जो एक्शन डिफाइन किया है वो यह है कि इस EC2 इंस्टेंस को जाकर आप टर्मिनेट कर दो। तो दो चीज़ें यहाँ पे होंगी, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होगी कि अभी जो आपका जो अलार्म का स्टेटस दिखा रहा है, राइट, ये जो अलार्म आपने क्रिएट किया है इसका स्टेटस ओके है, तो अगर 70% से ऊपर चला जाएगा तो फिर ये ओके नहीं रहेगा, फिर ये आप देखेंगे ये ओके की बजाय ये काउंट ऊपर चला जाएगा अलार्म पे, तो अलार्म हो जाएगा 1 और ओके हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये मतलब है इन तीनों ऑप्शंस का, यहाँ पे अलार्म, इनसफिशियंट एंड ओके।
5 मिनट तक हमें वेट करना है, तो तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में जो कुछ बदला है वो ये है कि जो हमारा स्टेटस ओके था वो चेंज हो के अभी अलार्म में चला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है और स्टेट जो आपका दिखा रहा है इन अलार्म। तो बेसिकली अलार्म यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, मुझे एक ईमेल आना चाहिए, ठीक है? तो मैं जाके एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे अकाउंट में। तो आप देख सकते हैं मुझे एक अलार्मिंग ईमेल आया है जिसमें इसने मुझे बताया होगा कि जो यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज योर अमेजन क्लाउड वॉच अलार्म, दिस पर्टिकुलर अलार्म इन एशिया पैसिफिक सिंगापुर रीजन हैज़ एंटर्ड द अलार्म स्टेट। ओके, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो आप चलिए इस EC2-1 पे, तो मैंने एक्शन किया था टर्मिनेशन का, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देखते हैं कि जो EC2-1 है वो टर्मिनेट भी हो गया। तो आपने देखा कि जो क्लाउड वॉच था, क्लाउड वॉच ने आपके EC2 इंस्टेंस को पहले मॉनिटर किया उस मैट्रिक्स के बेस पे जो आपने सेलेक्ट की थी। मैट्रिक थी CPU यूटिलाइजेशन। जैसे ही आपने मैट्रिक सेट की थी और उस मैट्रिक पे आपने एक थ्रेशोल्ड भी सेट किया था कि जब भी 70% से ज़्यादा हो तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो मुझे ईमेल आए, दूसरा ये सेशन यहाँ, ये जो EC2 इंस्टेंस है वो टर्मिनेट हो जाए। तो दोनों यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लाउड वॉच कितना पावरफुल और कितना इफेक्टिव एक सर्विस है जो AWS हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो इस वीडियो में हमने एक डैशबोर्ड के बारे में सीखा कि डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ हमने देखी कि हम अलार्म कैसे क्रिएट करते हैं, और उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन भी हमने यहाँ पे देखा है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू।